निकाय की जो समितियां होती हैं उनके बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था, नगर पालिका के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल के बारे में, तो जिसे हम सपरिषद अध्यक्ष जो होता है उसके नाम से जानते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि नगर पालिका स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का शासन देना। मतलब जैसे मंत्रिमंडल होता है विधानसभा लोकसभा में, ठीक है, वैसे ही क्या है कि नगर पालिका स्तर पे भी मंत्रिमंडल के स्वरूप का शासन दिया जाए। इस व्यवस्था के लिए नगर निकाय की समितियों के अंतर्गत सपरिषद अध्यक्ष जो है उसकी व्यवस्था की गई है। निकाय जो है, देखिए, नगर पालिका व नगर पंचायत में होता है ये, है ना। और गठन जो होता है इसका, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि से 7 दिन के भीतर, ठीक है। मतलब जैसे ही उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर इस परिषद का गठन करना होता है। गठनकर्ता कौन होता है कि संबंधित निकाय का जो अध्यक्ष होगा वो जो पार्षद है, निर्वाचित पार्षद है, उनमें से मिला के, प्लस ये जो अध्यक्ष है इनसे मिला के इसका गठन होगा, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि सदस्य संख्या कितनी होगी। तो सदस्य संख्या है कि पार्षद के साथ सात और अध्यक्ष एक, ठीक है। तो ये है नगर पालिका में। और नगर पंचायत में जो होता है, नगर पंचायत में क्या होगा कि एक अध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य मिला के सपरिषद अध्यक्ष या प्रेसिडेंट इन काउंसिल का निर्माण करेंगे। तो अध्यक्ष और सात किसमें होंगे, नगर पालिका में, और नगर पंचायत में कितने होंगे, प्रेसिडेंट के साथ में मिला के 5 पार्षद सदस्य जो हैं उनके साथ मिला के इनका मंत्री, मतलब सामान्य रूप से हम क्या बोल सकते हैं, ये मंत्रिमंडल का गठन हो गया इस स्तर पे। अब कार्यकाल देखें कि संबंधित निकाय जो है कि जितना कार्यकाल नगर पंचायत का है उतना नगर पंचायत के प्रेसिडेंट इन काउंसिल का होगा, जितना कार्यकाल नगर पालिका का है उतना ही कार्यकाल नगर पालिका के प्रेसिडेंट इन काउंसिल का होगा। अब देखो, समिति के सदस्य जो होते हैं, मतलब ये जो सदस्य तुम्हारा जो मंत्रिमंडल बना, ये मंत्रिमंडल कब तक काम करते हैं, तो ये जो अध्यक्ष होता है उसके प्रसाद पर्यंत, मतलब वो जब तक, मतलब जब चाहे तब सदस्यों को हटा सकता है। तो ये था कि अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल में। अब उसके बाद देखो अध्यक्षता कैसे की जाती है इसकी। तो संबंधित निकाय का अध्यक्ष जो होता है वो प्रेसिडेंट काउंसिल का पदेन सभापति होता है। तो ये जो अध्यक्ष है वो ही क्या होगा, पदेन सभापति होगा। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक ऐसी कल्पना करके देखते हैं हम कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो क्या होगा कि ये जो सदस्य हैं ये अपने में से किसी एक को सभापति चुनेंगे और वो अध्यक्षता करेगा। तो ये था आपका प्रेसिडेंट इन काउंसिल के बारे में। अब हम देखते हैं सलाहकार समिति के बारे में। तो देखो सलाहकार समिति जो है ये दोनों जगह होगी, नगर पालिका में और नगर पंचायत में। गठन कैसे होता है कि निकाय के प्रथम सम्मेलन के पश्चात अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए गठित की जाती है, ठीक है, ये सलाहकार समिति। और गठनकर्ता कौन होगा कि अध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है, इस समिति में से सदस्य चुने जाएंगे जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नहीं है। मतलब एक तो आपने मंत्रिमंडल बना दिया, उसके बाद जो सदस्य बनेंगे उसमें से अध्यक्ष क्या करता है कि सभी सदस्यों से मिला के जो बचे हुए सदस्य हैं उनमें से बचा के जो बचे सदस्य हैं उनमें उन सदस्यों को सलाहकार समिति में अध्यक्ष चुनता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने हैं कि क्या जो पार्षद हैं निर्वाचित पार्षद वो प्रेसिडेंट इन काउंसिल में और सलाहकार समिति में सदस्य हो सकते हैं, तो एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब कार्य देखें तो सलाहकार समिति का कार्य क्या होता है, तो कार्य ये है इनका कि संबंधित विभाग का जो भी कार्यकलाप है, ठीक है, जैसे निर्माण कार्य है, सन्निर्माण है, तो इसमें वो क्या करेंगे, अपनी सलाह देंगे। सदस्य संख्या क्या है कि
कि नगर पालिका के लिए 5 है और नगर पंचायत के लिए कितनी है, 3 है। अब जो बैठक के बारे में देखें हम, तो यहां पे है प्रत्येक 2 माह में, ठीक है, एक बैठक करवाना अनिवार्य होता है सलाहकार समिति का। अब आयोजन कैसे किया जाएगा सलाहकार समिति का देखें तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के विभाग का प्रभारी सदस्य, जो मतलब जो प्रभारी जिस जैसे मंत्रालय मिलता है ना वैसे ही जो प्रभाग उसको मिला हुआ है, तो वो जो प्रभारी सदस्य है वो बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। तो सलाहकार समिति की बैठक को कौन आहूत करेगा, उस विभाग का जो प्रभारी सदस्य है वो, और वो ही उसकी अध्यक्षता भी करेगा। समय निर्धारण कैसे होगा इसके बारे में देखें कि संबंधित निकाय का जो अध्यक्ष है वो उसका समय निर्धारित करेगा कि कब होगा क्या होगा, और अध्यक्ष जब असमर्थ होगा तो मुख्य नगर पालिका या पंचायत अधिकारी जो है वो समय निर्धारित करेगा कि इस समय को जो बैठक है वो की जानी है ऐसे करके। तो ये था आपका सलाहकार समिति। अब उसके बाद हम देखते हैं मोहल्ला समिति के बारे में। तो मोहल्ला समिति जो है वो भी नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में होती है। अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर गठित कर दी जाती है। संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद जो होता है उस वार्ड के अंतर्गत गठित समस्त मोहल्लावासी, और वो निर्वाचित जो आपका कौन होगा जो पार्षद है वो, इनसे मिला के इनका गठन किया जाता है। तो ये विशेष था आपका मोहल्ला समिति के बारे में। अब देखें वार्ड समिति। तो वार्ड समिति है नगर पालिका व नगर पंचायत दोनों में ही ये गठित की जाती है, और गठन होता है इसका कि वार्ड समिति के गठन का विनिश्चय जो है वो कौन करता है, परिषद करता है। और संख्या कैसे होती है कि निकाय स्तर पर गठित वार्ड समितियों की संख्या प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। और जो सदस्य हैं वो कौन सदस्य होंगे इसमें, प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जो पार्षद है, निर्वाचित पार्षद, और प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले, ठीक है, उस एरिया में जो रहेंगे उनमें से 2 व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा। और कौन करेगा, तो नगर पंचायत का अध्यक्ष नगर पंचायत के वार्ड समिति के लिए, और नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका के वार्ड समिति के लिए 2 लोगों को नामांकित करेगा। तो इस प्रकार वार्ड समिति का गठन होगा। और अध्यक्ष जो होता है उस, वो जब नामांकित सदस्यों को यहाँ पे है ना, तो जो सदस्य नामांकित होंगे वार्ड समिति में, तो ये जो नामांकित सदस्य हैं वो बैठक में भाग तो लेंगे लेकिन मत नहीं दे सकते हैं ये नामांकित सदस्य, ठीक। और जो अध्यक्ष होता है वो समिति की प्रथम बैठक में निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष चुना जाता है। तो जितने भी पार्षद होते हैं, ठीक है, उस वार्ड समिति में, तो वहां से जो पार्षद है उनमें से किसी निर्वाचित पार्षद में से एक पार्षद को अध्यक्ष चुन दिया जाएगा। अब उसके बाद देखें हम आखिरी जो समिति है अपील समिति के बारे में। तो देखें कि नगर पालिका परिषद में ही इसका गठन किया जाता है, और जो गठन है वो है आपका जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार अपील समिति होती है। और सदस्य में मैंने आपको बताया कि नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का उपाध्यक्ष और निर्वाचित 2 पार्षद है, इनसे मिलकर अपील समिति बनती है। और इसकी अध्यक्षता जो करता है, तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो इस समिति का, अपील समिति का पदेन सभापति होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा आप कि आज हमने जो आज की क्लास में हमने क्या देखा, नगर निकाय की जो समितियां होती हैं उनके बारे में जो प्रमुख प्रावधान है, जैसे प्रेसिडेंट इन काउंसिल, सपरिषद अध्यक्ष, सलाहकार समिति, मोहल्ला समिति, वार्ड समिति और अपील समिति के बारे में देखा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि समितियों की जो कार्रवाइयां होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, जैसे व्यवस्था बनाए रखना, समिति का सभापति, बैठक की क्या प्रक्रिया होती है और समिति के बैठक से अनुपस्थिति का क्या परिणाम होता है। तो आज हमने जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल, सलाहकार समिति, मोहल्ला समिति, वार्ड समिति, अपील समिति देखी है, तो इन समितियों की कार्यवाहियों को,
कल हम अगली क्लास में देखेंगे। अब आपको अगर आज की क्लास से कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।